बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला किशनगंज जिला के कोचाधामन का है, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है। मामला रहमत पाड़ा का है, पास में ही लकड़ी मिल है। यह इलाका जिला मुख्यालय से महज 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया जाता है कि अकील अहमद की पत्नी रूबी खातून को घर में घुसकर गोली मार दी। आरोपी फरार है। घटना की खबर मिलते ही डीएसपी और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए, लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेज दिया। फरार आरोपी को दबोचने के लिए पुलिस की दबिश लगातार जारी है। मौके पर मौजूद बच्चों ने पंचायत के सरपंच के बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। मृतक के नाबालिग बेटे के मुताबिक सकलेन नाम के व्यक्ति ने मजाक में गोली चला दी और उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। बिना तहकीकात के कुछ भी कहना या मान लेना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल, आखिर हमारा समाज जा कहां रहा है? हमारी नैतिकता खो क्यों रही है? युवाओं में यह प्रवृत्ति पनप क्यों रही है? आखिर नौजवान तबका अपराध की घटनाओं में लिप्त क्यों हो रहे हैं? समाज को अपराध मुक्त कराने की जिम्मेदारी क्या केवल पुलिस की है, समाज की नहीं? वैसे लोगों को समय रहते सुधारा क्यों नहीं जाता जो भविष्य में समाज के लिए घातक हो सकते हैं? क्या मान लो रहे थे तुम? क्या मान लो? की चाचा की नाम? सकलेन। ती देख लो तो समझना जा कै बजे? अरे तुम मान ले। क्या के जिले जा? हमर मां दादी जी मोर बहन जी मी जी कोनो जैसे मार ले? ऐसे मार ले। अच्छा कोई बात नहीं? यानी कोई बात नहीं, गाड़ी को जो मैं कोई बनने के कोई मार मार पकड़ ले। अच्छा मार दिले? हां मजाक।